तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंजी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। बीवी के बारे में कभी मत सोचिएगा। आपको पता है जितने माँ के हुकूक होते हैं ना उतने बीवी के भी होते हैं। अगर मैं तुम स्कूटर पर चले जीन पहनी हो मैंने, हम दोनों वहां जाके रुकते हैं। अब लड़कियां मेरी तरफ ज्यादा देखेंगी या तुम्हारी तरफ? जाहिरी सी बात है आप ही की तरफ देखेंगी। दोबारा चला जाना किसी बहाने से। कैसे जाऊं? बाजार से पकड़ बिरयानी और बोल के नाना की बरसी की फातिहा थी तो बिरयानी देने आयो। अरे तो मेरी जान है, रस भरी है, फूल झड़ी है, बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मेरे होते हुए ये इस घर में आ जाए। जाओ जाके किसी बेवा की कोई खोली कोई कमरा ढूंढ लो, थोड़ा सा एडवांस हाथ में दे देंगे तो कब्जा करके बैठ जाएंगे। बेगत को तमीज अमीज है तुम्हारे अंदर? जो मुंह माया पके जा रही हो, मेरी माँ को बदवा दे रही हो मौत की। आप तो मेरी एक बात पकड़ के बैठ जाती हैं और वो जो आपकी अम्मा नॉन स्टॉप मुझे दिन रात बदवाएं देती रहती हैं उनका क्या? कितने ऐसे मर्द होंगे जो कामयाब रंडवे बन के दिखाएं, बताइए, बस चंद एक, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, गुस्सा दफा करो, मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो श्री को। दो दिन बाद तो मैं खाने के लिए लेकर जाऊंगा मैं। हाँ और बच्चे बच्चे नहीं आएंगे? हम दोनों जाएंगे सीवी पे हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे। अल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं आप। ओए होए होए, शादी के इब्तदाई दिनों में जैसे शर्माती थी वैसे शर्मा रही हो, जानलेवा कातिल। अल्लाह चाहिए ना बस आप जवान बच्चों के बाप को इस कदर रोमांटिक नहीं होना चाहिए। तो फिर कितना होना चाहिए? अच्छा मैं जा रहा हूँ, देखो मुट्ठी कर। चढ़ गई तुम्हारी भावज की हंडिया। देख तो रही हैं आप, चढ़ी हुई है घंटों से। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, पाप कान खा खा के अपना पेट भर रहे हैं गरीब। मैं क्या करूं, मुझे तो खाना पकाना आता नहीं है। जब भी कोई अच्छी चीज बनानी होती है भाभी उठ के खड़ी हो जाती हैं, और जब भी कोई गरीबों और मुफलिसों वाली चीज बनानी होती है वो मेरे हिस्से में आ जाती है। दाल बनाओ, भाजी बनाओ, खिचड़ी बनाओ। ओ बीबी, दाल खिचड़ी बनाना भी एक फन है। जब मेरी सेहत अच्छी थी और मैं सारा बावर्ची खाना संभाला करती थी तब हफ्ते में हमारे यहाँ 5 दिन दाल सब्जी पकती थी। ऐसा जायकेदार खाना पूछ लो अपने मियाँ से, कितना मजे का पकाती थी। ये तुम्हारे सुसर और दो लड़के ये अपनी उंगलियां चबा जाते थे, ऐसा जायकेदार खाना
यूं ही नहीं आ जाता पकाना। और ये जो पैकेटों से खाना पकाने वाली फुवड़ औरतें हैं, इन्हें तो मैं किसी गिनती में नहीं लाती। और झूठ बोलना मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। कुछ भी कहो, साजिद की दुल्हन के हाथ में जायका है। और तुम बुरा मत मानना, तुम तो ऐसा खाना पकाती हो लगता है तुमने 100 छिपकलियां मारी हो। चाय भी ऐसी मनहूस बनाती हो ऐसा लगता है डिटॉल घोल दिया उसने। अब अपनी भावच से कहियो दस्तरखान चुन दे, इससे पहले के लोग गश खा के पट से जमीन पे गिर पड़े। आए आए, हटा इसे यहां से। जी गमला गिर गया था उठा लेना। जी OMG तन्नो, तुम कब आई? तुमसे मतलब? तुमने कौन सा मेरी अम्मा को आके सलाम कर लिया? सलमान भाई को देखा कैसे दुआ सलाम करते हैं? आजकल तो उनकी ही वाह हो रही है। एक नंबर का छोटा छोरा और मुनाफिक किस्म का इंसान है वो। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा के सामने तो फुप्पो फुप्पो कह के तुम्हारी अम्मा से कहने लग जाता है, और जब तुम लोग हमारे आते हो ना तो अम्मी से कहता है कि आ गई वो आपकी बंसोड़ वाली नन, ऐसा शख्स है वो। जब तुम उसके बारे में बात करती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तन्नो। कूल शाहरुख, कूल। तन्नो एक प्याली चाय तो बना। नहीं बनाती, जाओ क्या कर लोगे? तन्नो तन्नो तू ऐसी तो ना थी रे। लो आ गई। ये जो तुम टीबी के मरीजों की तरह यहां खांस रही हो ना, ये सब समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं। ये तुम्हारी चील जैसी नजरें हम पे। मैं खांस नहीं रही, खंकार रही हूं। खांसने और खंकारने में बहुत फर्क होता है। सुनो शाहरुख, वो तुम इलायची वाली चाय पियोगे ना, औरते हुए दूध की? अरे तन्नो तुम्हें ये सब बातें पूछने की क्या जरूरत? After all, तुम्हें तो पता है मेरी पसंद ना पसंद है। OMG बाय। आजकल की लड़कियों के नखरे भी कैसे कैसे होते हैं। बात सुनो तन्नो, कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। इस घर में शाम की चाय मैं बनाती हूँ। तो मैंने कब मना किया है? जाओ बनाओ चाय, तुम्हारा घर है भाई, मुझे क्या। जाओ बनाओ सबके लिए। भाई मैं तो सिर्फ शाहरुख के लिए बना रही हूँ ना। और मेरी बात सुनो, मेरे घर में ज्यादा छिचोरी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी छिचोरी हरकतें? देखा नहीं था कितना चिपक के बैठे हुए थे तुम दोनों? भाई जहनियत जहनियत का फर्क होता है, कजन है हम दोनों, भाई तो नहीं है ना। अल्लाह ना करे। जाओ बनाओ सबके लिए जाकर चाय, और मैं सिर्फ शाहरुख के लिए बनाऊंगी। भाभी
शेरी बाजी का बेटा है ना तोशी, बहुत बहुत बदतमीज है वो। मैं गई ना उस दिन तो टीवी पे बहुत बहुत ही वाहियात सा डांस देख रहा था वो, और हाँ मुझे मुझे देखते ही ना क्यों टीवी लगा दिया उसने। मेरी वालदा कहती है कि जब तुम किसी आंख में आंख डालकर देख रहे हो और नजरें नीचे कर ले तो समझो कि वो दो नंबर है, उसके दिल में चोर है, कीना है। नहीं भाभी, मेरे दिल में चोर क्यों होगा भला, वो मैं तो कभी भी बड़ों से नजर मिलाकर बात नहीं करती, बेअदबी होती है ना। बेअदबी होती है? वाह, तुम तो जैसे कोई 5-6 साल की बच्ची हो और मैं कुरान पढ़ाने वाली तुम्हारी उस्तानी। सुनो तस्नीम बेगम, ये कोरमे में पानी तुमने डाला था, जग भी साथ में ही रखा था। नहीं, मैं क्यों डालूंगी पानी कोरमे में, वो अम्मा जान घूमती रहती है ना सारा दिन घर में, किचन में भी घूमती रहती है, उनकी बेटी का टब्बर आया हुआ है ना, उन्होंने डाल दिया होगा पानी मिकदार बढ़ाने के लिए सालन की। मैं तो कहती हूँ जिस किसी ने भी ये घनौनी हरकत की है उसकी औलाद के सामने आए। हाय भाभी, होश में तो हैं आप, अब इतनी छोटी सी बात के लिए आप औलाद को कोसने क्यों दे रही हैं किसी की। हाँ तो कौन सा तुम्हारी औलाद को कोसने दे रही हूँ, तुम तो वैसे भी बड़े वसूख से कह रही हो कि पानी अम्मा जान ने डाला है। चलो जी, मैं तो जरा बड़ी भी से दो दो हाथ करके आ। अब भाभी भाभी वो मैं तो कसम से चोरों को उनके घर तक पहुंचा के आने वालों में से हूं। ए शीरी, ये जो वाजिद की दुल्हन है ना, इसकी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि इसने अपने अंदर मेरे लिए बड़ा बुग्स और बड़ी नफरत पाल रखी है। ए जब तुम्हारे बाबा का दिमाग खराब नहीं हो गया था, एक दिन उनके पास बैठी उन्हें वरगला रही थी, मैंने जो कान लगा के सुना तो कोई अपनी बेवा खाला से उन्हें निकाह पर उकसा रही थी। अरे मैंने भी चोटी पकड़ के कहा, अरे जा, मेरा ही शौहर रह गया है तेरी बेवा खाला से निकाह करने के लिए, जा जाके अपने ताया या चचा से करवा अपनी बेवा खाला का निकाह। माँ, ये औरतें नहीं सुधरेंगी, खुद सोचो, घर से भाग के जो शादी कर ले औरत, कितनी छटी हुई होगी। और ये निघत, ये तो हा? ये जो निघत है ना, हाँ माँ, ये एक नंबर की हर। निघत के लिए तो भाई मैं खुदा लगती कहूंगी कि भाई पहन ओढ़ के बहुत अच्छी लगती है, बदतमीजी उसकी अपनी जगह। माँ क्या पहन ओढ़ के अच्छी लगती है? हाँ क्या पहन ओढ़ के अम्मा अच्छी लगती है? भाभी, साड़ी पहन के अच्छी लगती है या सलवार कमीज में अच्छी लगती है? वैसे मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ साजिद कहते हैं कि तुम बिल्कुल माधुरी दीक्षित लगती हो, और मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि वो तो जमाने कदीम की हीरोइन है, मुझे जरा किसी नई हीरोइन से मिलाइए, मेरी शादी से पहले की हीरोइन आ रही है वो, है ना? भाभी बताओ खाने की क्या पोजीशन है? ओह, खाने से याद आया, कोरमे में किसी ने तकरीबन 2 जग भर के पानी के डाले। हाँ? वैसे मैं बगैर किसी तहकीक के इल्ज़ाम लगाने को सख्त नापसंद करती हूँ और गुनाह समझती हूँ, लेकिन तस्नीम बहुत वसूख से कह रही थी कि पानी आपने डाला है अम्मा जान। लो भैया, आप पे तो इल्जाम लग गया, मैं मुंह देखी बात नहीं करूंगी। भाभी आप भी कभी कभी ओछापन और कमीनगी दिखा देती हैं। बेशक बेशक, लेकिन अम्मा ये तस्नीम है ना, इसने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों, क्या हुआ? उस दिन मैं अस्पताल से अपने बच्चे के साथ धक्के खाती हुई आई हूँ, लटक लटक के बसों में, उनका प्यासा बच्चा, पोर्चे खाने में आई तो इसने हंडिया छुपा दी और कह रही है खाना ही नहीं है। अरे मेरे अल्लाह, अम्मा बात सुनो, टेस्ट पता कौन से थे, खाली पेट टेस्ट नहीं होते, भूखे जो वो वाले टेस्ट। मैंने कहा हमारे बच्चे को तो दे दो धोने वाले, मगर उस फिरौन की बच्ची ने मुझसे कहा कि मैंने तो इतना मजे का अरबी गोश्त पकाया था कि सारी पतीली जो है वो चट हो गई, तुम्हारी माँ तो
पतीली भी चाट गई। पतीली चाट गई आई बड़ी वहां से 100 छपकलियां मारी होंगी इस फुआड़ औरत ने। हाँ। और भाई मैं तो अपनी मरी हुई अम्मा की कसम खाती हूँ कि मैंने कोरमे में पानी नहीं डाला। और तू भाई निगत जा कुरान पाक ले आ, अगर जो मैंने कोरमे में पानी डाला हो तो दुनिया भर के बेगैरतों के साथ मुझे मरना नसीब हो। आमीन। हैं? हाय। वो अम्मा जान खुदा की कसम मैं आप पे शक नहीं कर रही, गो कि मैंने आपको कई दफा दूध की पतीली में पानी डालते हुए देखा है लेकिन सालन कभी लंबा करते हुए नहीं देखा, सच बात करूंगी। नहीं ये नहीं, ये बात यूं तय नहीं होगी। शीरी हाँ? जा जा के बुला के ला उस तंग पेशानी वाली को, इस बात का फैसला भी होगा यहीं। अम्मा या अल्लाह, यही रहना। या अल्लाह मेरा तो दिल बिगड़ रहा है। अम्मा मेरी माँ। शीरी नहीं, संभाल मुझे। हाँ मेरा बच्चा। हाँ मेरी माँ। हाँ हाँ मेरे ख्याल से इजलास इंतहाई जरूरी है। चलो उठो शीरी उठो, हरकत में बरकत है, उठो चलो शाबाश आओ। शीरी अम्मा आ जाइए जल्दी। आज आराम से अम्मा, तुम्हें चोट नहीं लगे? आए तेरे मुंह में। आए मम्मी आ रही हूँ लेके आ रही हूँ। मेरे मौला तस्वीर, मेरे मौला आज दूध का दूध पानी का पानी कर दे, कैसे इल्जाम लगा रही हैं ये। जब आपको कोई अच्छा लगे तो क्या उसके बारे में जानना नहीं चाहिए? आप जानते हैं कि मैं समीर को पसंद करती हूँ। खबरदार वो मोहब्बत के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरी चॉइस सिर्फ यूसरा है, किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं। क्या है नाना ऐसे क्यों घूर रहे हो? लॉलीपॉप लाली मुझे अच्छा नहीं लगता। लॉलीपॉप बहुत बुरा गंदा। मैं भी गाऊंगा लॉलीपॉप, मुझे भी दोना दोस्त। दोस्त? कौन दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त? मुझे याद है जब तुम्हारा दिमाग ठीक था ना तो मैंने तुम्हारी जेब में से ना 50 रुपये निकाले थे और इस हरकत पे तुमने मुझे पाइप से मारा था। मैं भूल नहीं सकता वो कमर के नीचे पड़े तुम्हारे पाइप। लॉलीपॉप मैं पैसे दूंगा। कितने पैसे लोगे? अच्छा मेरी जेब में ना ये एक और भी है। और भी? हाँ ना दो दो। पहले पैसे 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 ठीक है ठीक इतने इतने वैसे ना इतने के आते नहीं है, मैंने सिर्फ दोस्ती में दिए जिगर, सही है ना? मुझे भी दो ना थोड़ा सा। नहीं, 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 थोड़ा सा। हाँ अम्मा मुझे ये बताओ मेरे बच्चे और मैं भूखे हैं भिखारी हैं कि हमारी आमद पे यानी कि कोरमे के पतीले में जग भर पानी डाल दिया गया? बताओ ना अम्मा हम कौन है, भूखे हैं भिखारी है, बताओ। अरे हम लोग किसको बोले, किससे कहे अम्मा? अल्लाह बिल्कुल रुदालियों वाले अंदाज में शीरी बैंड डालती है, बहुत दिल दुखा है ना बेचारी का। भाभी अब आप तीली तो ना लगाए ना। ये तू मेरा नाम क्यों लगा रही है कि मैं बार बार बावर्ची खाने में जाके पानी के लोटे उंडेल रही हूँ? लोटे नहीं अम्मा जान, जग जग। और तस्नीम तुमने इतने पुरजोर तरीके से अम्मा जान का नाम लिया इस पूरे कजिए में कि मुझे आना पड़ा अम्मा जान से पूछ गछ करने के लिए। अरे मेरे दो बच्चे और हम दो मियां बीवी अम्मा कितना खा लेते बताओ। खैर खुराक तो तुम लोगों की काफी है शीरी, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि कोरमे में दरियाए सिंध छोड़ दिया जाए। वैसे भी कोरमा मेरी स्पेशियलिटी है, खुसूसियत अम्मा जान खुसूसियत।
पता है इतनी भी जाहिल लट नहीं हूं। अच्छा तो अम्मा जान, अगर आप इस कदर लायक फायक हैं तो आप दस्तखत की जगह अंगूठा क्यों लगाती हैं, जरा ये तो बताइए। खैर, मैं तो यूं ही तस्करन इस बात को ले बैठी। अब यूं करते हैं कि असल मामले की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि अगर तुम दोनों और अम्मा इनकारी हैं तो कोरमे में पानी किसने डाला? मैं बताती हूं तुझे, ये सब काम इसी बदजात का है। अम्मा जरा तमीज से बात करें, आदत नहीं है मुझे इतने बेहुदा अल्फाज सुनने की। शट अप! जैसे ये गवर्नर जलनेल की बेगम साहिबा हैं। अम्मा, मेरे को दीवान से नाश्ता करके नहीं चली थी, सर चकरा रहा है, एक पापा नहीं खाया मैंने। अल्लाह मेरे अल्लाह। तो आती क्यों, भूखी आके यहां मरती क्यों, खा ठूस कर आया करो। अम्मा देख रही है इसकी जबान, देख, डेढ़ दो साल अगर आपका और अम्मा का साया ना रहा सर पे, तो ये तो मुझे लाते और घूसे मार के इस घर से निकाल देंगी अम्मा। इंशाल्लाह। ए, डेढ़ दो साल की मेरी जिंदगी की मियाद रखने वाली तू होती कौन है? ये मुझसे 20-22 बरस पुरानी खवातीन टीवी पे अदाकारी कर रही हैं सुर्खी पाउडर थोप के, ये तो फिर डेढ़ दो साल की बकवास क्यों कर रही है? अम्मा मुंह से निकल गया था, मैं तो कहती हूँ अब ता हयात जिंदा रहे। ए लो, मैं शैतान की चेली हूँ जो ता हयात जिंदा रहूं। मैंने वैसे एक बात नोट की है कि जिन घरों में माँ बेटी में ऐसी जेलसी और नफरत होती है वहां रिश्तों में बहुत सख्त नापायदारी पाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है, मेरा और मेरी वालदा का हमेशा रिश्ता बहुत मोहब्बत भरा रहा। मेरी अम्मा हमेशा मेरी सहेली रही। माफ करना निगत, तेरी माँ तो इस दर्जा छिचोरी औरत है कि अपने मंझले बेटे के हकीके में यूं ठुमके मार मार के रक्स कर रही थी, मालूम है जैसे कोई दो नंबर औरत हो। मैंने तो कसम खुदा की मारे शर्म के अपनी नजरें झुका ली। वो रक्स हरगिज़ नहीं था अम्मा जान, माफ कीजिएगा, वो खुशी के इजहार का एक तरीका था। तेरा बाप भी इस दर्जा बेगैरत आदमी है कि बीवी पर नोट के नोट निशावर किए जा रहा था। है अम्मा, अरे ये बेगैरती तो इन जैसे मिरासी टाइप के लोग ही कर सकते हैं। अल्लाह तौबा तौबा अल्लाह तौबा। तफरीहन हो रहा था वो सब कुछ, आप सब लोगों की तो ज़हनियत ही बहुत गंदी है। ए भाड़ में जाए ऐसी तफरी के माँ डोमनी बन के नाश्ती गाती फिरे? तमीज से बात कीजिएगा अम्मा जान, आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप मेरी माँ को डोमनी कहें? ए दफा हो जा, मैं तुझसे तमीज से बात करूं? सारे जहान की आवारा बदमाश मेरे बेटे को वरगला कर उससे शादी कर ली और मुझे लेक्चर दे रही है। जरे मुलाहिजा करो जहाल, लेक्चर। ठीक करती हो तस्नीम, तुम बिल्कुल ठीक करती हो तस्नीम, जो तुम इन लोगों को जूते की नोक पर रखती हो। जरा समूह इन लोगों को लगाए तो ये सर पे चढ़कर नाचते हैं और वो भी मुसरत शाहीन के अंदाज में। तस्नीम, मैं तो यूं ही चली आई थी, वरना अंदर से मुझे पक्का यकीन था कि ये हरकत, ये घटिया हरकत सिर्फ अम्मा जान ही कर सकती है। जलती है ना मुझसे? जलती है, क्योंकि इनका अपना बेटा कहता है कि हमारी अम्मा जान को तो सारी जिंदगी अच्छा खाना पकाना नहीं आया। मैंने तो बाप जमाने में भी अम्मा के हाथ का पका हुआ कभी अच्छा खाना नहीं खाया। निघत, जैसा तुम बनाती हो। यहां मैं तो हूं सावगो औरत, इसीलिए खुदा लगती कहूंगी। तस्नीम में लाख बुराइयां सही, मगर इसकी जबान उस निघत की तरह 12 गज लंबी नहीं है। रहने दे अम्मा जान, उल्लू किसी और का बनाइएगा जाकर। भाभी जैसी औरतें ना फायदे में रहती हैं जिनका भरा पूरा घराना होता है। मुझे यतीम का तो आप लोगों ने हमेशा इस्तेहसाल किया है, देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला आपकी इस बेटी के आगे आएगा, जरूर आएगा इसके आगे। मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर बका फातिहा अमल ना हो तो। जबान तो वैसे ही काली है, मजलूम की आन अर्श को हिला के आती है। अरे सारा दिन सोई पड़ी रहती है, शोहर को बगैर नाश्ते के भेजती है, ससुराल वालों का कोई ख्याल नहीं, और ये मोहतरमा
दुनिया जहां की होशियार मक्कार कीना परवर, ये जो है ये मोहतरमा मजलूम है। अरे होती ना कोई और सास तो चोटी से पकड़ के कब तक घर से बाहर निकाल देती। यहाँ आदमी मुरव्वत और मोहब्बत में रवादारी दिखा रहा है तो ये बेशरम मुंह को आ रही है। दूंगी दूंगी, इसे बद्दुआएं दूंगी क्योंकि इसके ही आगे आएगा। चल 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 चल, ये बेड़ा गरक सत्यानाश हो तेरा, मेरी बेटी को दुआएं बद्दुआएं देने वाली, बेड़ा गरक तेरा सत्यानाश जाए। अम्मा ती एनर्जी वेस्ट हो गई है, दो गिलास लाल शरबत के बना के लाती हूँ पीते हैं। तुख में बालंगा डाल देना। हाँ बड़ा वाला डालूंगी अम्मा। आए तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहे? शोर शराबे से परेशान होकर यहाँ आई थी, कहीं भी सुकून नहीं है, न इस घर में न इस जिंदगी में। जबान देखिए जरा, इस मनहूस की जबान देखिए, देखिए कदरा। जबान चलाएगा मैं? नहीं मुझसे जबान चलाएगा। तबीयत खराब है? नहीं अल्लाह ना करे मेरी तबीयत क्यों खराब होगी। वैसे मैंने एक बात नोट की है कुकू, जब भी शीरी फुप्पो आती है ना तुम कुछ अजीब परेशान से हो जाती हो। वैसे बहुत गंदी आदत है औरतों की तरह टो लेना। इंसान किसकी टो में लगा रहता है ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। जो सीरियस होता है ना उसकी कदर करो, बाकी लोगों को तुम देख ही रही हो। वैसे तन्नू बहुत छिछोरी है और शाहरुख भी कोई कम बेगैरत नहीं है। अभी जो मैं अंदर घुसा हूं तो तन्नू के हाथ में शाहरुख का हाथ, चलो शाहरुख की तो कोई इज्जत ही नहीं है लेकिन तन्नू को एक लड़की होने के नाते अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करनी चाहिए। एक वो है और एक तुम। वैसे मेरे पीछे ना मीडिया की हसीन से हसीन लड़की मंडलाती रहती है, कहती है आमिर हमसे फ्रेंडशिप कर लें, लेकिन मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूं कुकू। तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रहे? शोर शराबे से परेशान होकर यहाँ आई थी, कहीं भी सुकून नहीं है, न इस घर में न इस जिंदगी में। पापा मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं, बस वो लाड़काना वाली जमीनें मेरे नाम कर दे। पता था मुझे कि तुम यहीं बैठे हो। अरे तन्नो थैंक यू भाई, मोहब्बत में सिक्स सेंस बहुत तेज हो जाया करती है और कुरेदी बहुत तेज हो जाती है। वो जो तुम्हारी फेवरेट कजन है ना उसको मेरा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही सड़ियल और बदतमीजी से बात करती है मुझसे। अरे सड़ियल वड़ियल नहीं है वो, पागल है पागल, इग्नोर करो उसे यार इग्नोर। चाय कैसी है? चाय एक सेकंड, बहुत प्यारी। चाय प्यारी नहीं होती अच्छी होती है। अरे तन्नो जब कोई खूबसूरत लड़की अपने हाथों से चाय बनाए ना तो फिर चाय अच्छी नहीं प्यारी होती। हर किसी के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हो? क्या मतलब, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ? नहीं तो? तो फिर क्या लग रहा है? अच्छे लगते हैं। हाय तन्नो तुम्हारी यही बातें। वो अम्मी वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वो
असल में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था ना, तो मैंने तन्नू को कहा कि मुझे एक कप चाय बना दो, तो बस that's it. तन्नू? तुम तन्नू कह रहे हो उसे? तन्नू कहे उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, तुम्हारी उससे क्या बेतकल्लुफी कि तुम उसे तन्नू कहो? हम दोनों कजन्स हैं ना मोमानी जान। खुदा के वास्ते मुझे सिर्फ मोमानी कहा करो, बहुत ही बाजारी और बेहुदा लगता है मुझे नामों के साथ ये जान का इजाफा, जैसे उमराव जान, साहिब जान, मैं तो अम्मा जान को भी अम्मा जान दिल पर पत्थर रख कर कहती हूं। वाह वाह, मैं क्या चाय बनाई है तन्नो, मेरा मतलब कि तंजीला ने, आप टेस्ट करके देखें। क्यों पी ये चाय तुमने खाली पेट, भूख मर जाती है। चलो तंजीला, चलो किचन में रख कर आओ बर्तन। जी आराम से। आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपनी गमार कसनों के साथ पींघें बढ़ाते हुए देखा तो कान उखेड़ कर हाथ पे रख दूंगी, पींघें चढ़ाते हुए देखा। सॉरी। तन्नू, तन्नू, ये लो। अरे कोई अकल वकल है आपको या नहीं? दरवाजे खुले में घर के सारे, और आपकी अम्मा पहरेदारों की तरह हर वक्त घर के चक्कर काटती रहती हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको रोमांस का दौरा क्यों पड़ जाता है भाई साहब। मेरा मतलब है वाजिद साहब, औरत को रोमांस की जरूरत नहीं होती, भाड़ में गया रोमांस। उससे ज्यादा औरत को इस बात की जरूरत होती है कि उसका शौहर उसका कितना ख्याल रखता है। तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? दिन रात जो गधे की तरह काम करता हूं वो किसके लिए करता हूं? और मैं जो 24 घंटे घर के कामों में उलझी रहती हूं वो कुछ नहीं है। आप मर्दों को ना बस हर वक्त अपनी कुर्बानियों के बारे में भौंकना बहुत जरूरी होता है। अपने शौहर के लिए भौंकने का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो? अच्छा ना, बहाव में आदमी कह देता है कुछ का कुछ, अब इस बात को इतना बड़ा मसला बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों रहता है? बुढ़ी हो गई हूं, सठिया गई हूं, इसलिए पागल हो गई हूं मैं, चिड़चिड़ी हो गई हूं। जाए जाके अपने लिए एक अदद कमसिन हसीन और मस्कीन सी बीवी ढूंढ ले। तुम और बूढ़ी, ईमान से अभी भी आजकल की डाइटिंग ज्यादा लड़कियों पर भारी हो। ये नैन नक्श, ये सरापा होगा किसी का? बस रहने दे, आपके पास है क्या बातों के अलावा? और मैं नहीं आती आपकी बातों में। वैसे भी जिस दिन से आपकी बहन साहिबा इस घर में आई है ना, घर में बदमजगी के अलावा कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, कल मैं ऑफिस से वापसी पर तुम्हारे लिए गजरे लेके आऊंगा। अरे बाहर में गए गजरे? अगर ज्यादा ही मोहब्बत जाग रही है ना बीवी की, तो फिर एक हल्का सा सोने का सेट दिला दे मुझे बस। सोने के दाम देखे हैं तुमने? तो आपको मालूम है साजिद भाई ने निगत भाभी को इतना भारी भरकम सेट दिया है सालगिरह में तोहफे पे? मेरी तो आपकी नजरों में कोई औकात ही नहीं है। अच्छा चलो एक शर्त पे। कहिए। तुम सुबह उठ के मुझे प्यार भरी नजरों से देखोगी? अब ये तो मेरे मूड पर मुनहसर है। अच्छा चलें, देख लूंगी, लेकिन एक हफ्ते की गारंटी है बस। भाई मुझे मूड का अंदाजा है ना आपने। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मुमानी। वालेकुम अस्सलाम बड़ी मुमानी के बच्चे,
ये क्या डाला तूने जेब में? चल निकाल, निकाल बाहर फौरन। क्यों भाई, हमारे मामू का माल है ये, आप कौन होती है रोकने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? हाँ। है? हाँ। अगर मैं अपनी करनी पे आ गई ना तो तुम्हारा मामू तुम लोगों की भयानक शक्लें सारी जिंदगी नहीं देख सकेगा। मेरे कान छोड़े, आ, आ, छोड़े कान छोड़े, नहीं कान छोड़े। क्या हुआ निकल? देखिए जरा, सेब चोरी कर रहा था। वो जो महंगे वाले सेब आपने लिए लेकर आए थे ना, वो मैं कहाँ करती हूँ नाश्ता, मैं तो नहार हूँ, एक सेब ही खाती हूँ ना, वो चोरी करके अपनी जेबों में डाल रहा था। देखिए जरा इसको, देखिए। कुछ भी नहीं है। ये क्या है? मैं जानती हूँ ना, दूसरे मामलों में चाहे आप दरगुजर कर जाएं, लेकिन चोरी कभी दरगुजर नहीं करते बिल्कुल भी। याद है ना वो जो लड़का हमारे यहाँ काम करता था, ईद वाले दिन शीर खुरमे का प्याला मुंह से लगा लिया था, याद है? कितने घूंसे और लाते मारी थी आपने उसको। जब आप लाते घूंसे मार रहे थे ना उसे, तौबा तौबा, मैं तो आपका जलाल और गुस्सा देख के बिल्कुल डर गई थी। उफ, मुझे आपका यही रूप और सख्ती तो पसंद है। मर्द में अगर सख्ती ना हो तो वो भला कहाँ का मर्द हुआ। क्या बनना चाह रहा तू? डाकू लुटेरा क्या बनना चाह रहा है? अबे तेरा बाप तो है ही दो नंबर, लोगों के पैसे दबाए फिरता है, मुंह छुपाए फिरता है। हाँ भाई, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मैं जरा दो दो हाथ कर लूँ उस चोर के बच्चे से। तौबा तौबा, आप में तो बिल्कुल अब्बा मियां वाला गुस्सा है, अल्लाह बचाए आपके गुस्से से। हमारी तो मजाल नहीं होती थी उनके करीब भटकने की। मैं सामने बैठा हुआ था तेरे दस्तरखान पे, हैं? तीन रोटियां तूने उतारी अपने अंदर, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा जो इनके ऊपर नजर डाल रहा है? नहीं, वो जब मैं खाना खाता हूँ ना तो उसके बाद ना मुझे आदत है स्वीट डिश की, तो मैंने फ्रिज में देखा था कुछ भी नहीं था तो सेब ले लिए। ये तेरे बाप के सेबों के बागात के सेब है ना, अब 375 रुपए किलो के सेब है ये। हैं? आप तो कह रहे थे 425 रुपए किलो। ज्यादा बकवास नहीं करना, समझ गया तू? अगर इस तरह की हरकतें कर रहा उल्टा लटका दूंगा मैं। क्यों 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 लटकाएंगे उल्टा? मैं फालतू का थोड़ी हूं। हाँ नहीं तो जबान देखिए जरा, इस मनहूस की जबान देखिए, देखिए कदरा जबान चलाएगा तू? तमीज करेगा, तमीज करेगा। लेके जाऊंगा सारे सेब, देखता हूँ क्या करती हो तुम। हेलो, तुम आए नहीं अभी तक हैं? अरे अम्मा ने सालन छुपा के तुम्हारे लिए रखा हुआ है, खत्म हो जाएगा फिर। आजा बस। अरे अभी मशीन चालू करके देख लूं, आता हूं। अरे पता नहीं क्या सोच के ब्याह दिया मेरी अम्मा ने तुम्हारे साथ। कौन ये की तरह पुरानी चीजें इकट्ठे करते फिरते हो और फिर उस पे पैसा बर्बाद करते हो। तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने किसी अच्छे प्लम्बर को दिखा दो, अगर ठीक नहीं हो तो ठोकर बाहर फेंक दो घर के। क्या बोल रही हूँ, सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलती रहो, कब से तो सुन रहा हूँ और न जाने कब तक सुननी है। ये जो तुमसे बात करके मेरा बैलेंस जाया हो रहा है ना, वापसी में 50 रुपए का इजी लोड डाल देना मेरे फोन में। हाँ 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 करवा दूंगा। सुनो वो अम्मा के लिए ना 100 रुपए का फ्रूट लेते आना, सदर में किसी ठेले से ले लेना, सस्ता मिल जाएगा। ले आऊंगा ले आऊंगा। अच्छा जल्दी आ जाओ, रात का खाना खा के जाएंगे हम लोग यहाँ से। हाँ हाँ खाने के टाइम पे आ जाऊंगा। हाँ।
खबीस। आप आवाजें बुलान डार्लिंग भी बोलती ना तो मैं बुरा नहीं मानता। तुम्हें मालूम है तुम्हारी आंखें बोलती। हम अछूत हो गए अब्बा। पागल हो गए? अछूत नहीं हुए, यतीम हो गए हम। मेरे तो सब बहन भाई पढ़े लिखे थे और मेरी अम्मा वो तो अपने वक्तों की इस कदर मकबूल शायरा थी। उनकी किताब नाला बुलबुल। नाला बुलबुल नहीं, नाला गुज्जर। ए खबरदार, जो मुझे अम्मी जान कहा आपने। पहली फिल्म आप ही की जिंदगी पर बनाऊंगा। पप्पू कहलाऊंगा, पप्पू लोग मुझे पप्पू कहेंगे। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है जिंदगी बीवी के जैसी है। खट सी एक शोक परी, दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है प्यार।